नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु स्वामी आप सभी का श्री राम क्लासेज बीकानेर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कल हमने पढ़े थे वर्णमाला और वर्णमाला में स्वर। आज हम बात करेंगे व्यंजन। संख्या में यदि बात करें तो 33। हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन माने जाते हैं मुख्यतः 33 व्यंजन माने जाते हैं। इन 33 व्यंजनों को 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, नंबर 3 उष्म व्यंजन। व्यंजनों की संख्या 33। 33 व्यंजनों को हमने 3 भागों में बांटा, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ वाक यंत्र का वाक प्लस यंत्र, वाक प्लस यंत्र, वाणी के जो यंत्र है, वाक का अर्थ होता है वाणी, वाणी के जो यंत्र है, वाणी के यंत्र जैसे जहां से स्पर्श करके वर्ण का उच्चारण होता है, उन वाक यंत्र को, वाक यंत्र के जो अव्यय विशेष है उनको स्पर्श करती है और इस कारण इनका नाम है स्पर्श व्यंजन। जैसे कैवर, कैवर की यदि हम बात करें तो कैवर के जो 5 वर्ण हैं उन 5 वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है, गले से। उसके बाद हम बात करें चैवर्ग की, चैवर्ग का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ दांतों से थोड़ा सा ऊपर यानी तालु को स्पर्श करती है। तो चैवर्ग के जो 5 वर्ण हैं वो उनका उच्चारण करने के लिए जीभ तालु को स्पर्श करती है, इसलिए हम इन्हें तालव्य वर्ण कह देते हैं। टैवर्ग, टैवर्ग का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ तालु से थोड़े से ऊपर वाले भाग यानी मूर्धा को स्पर्श करती है, इस कारण इन 5 वर्णों को हम मूर्धन्य वर्ण कह देते हैं। उसके बाद जब हम तय वर्ग का उच्चारण करते हैं तो तय वर्ग का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ दांतों को स्पर्श करती है। इसके बाद जब हम पय वर्ग का उच्चारण करते हैं तो हमारे दोनों होठ आपस में चिपक जाते हैं। दोनों होठों के आपस में चिपके बिना पय वर्ग का उच्चारण संभव नहीं। तो 5 वर्ग के 5-5 वर्ण यानी स्पर्श वर्णों की यदि संख्या की हम बात करें तो 25। स्पर्श वर्ण का दूसरा नाम वर्गों में विभाजित होने के कारण वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन। तो जीभ स्पर्श करती है इसलिए स्पर्श वर्ण, और 5 वर्गों में विभाजित है इसलिए वर्गीय व्यंजन, और इनकी संख्या यदि पूछी जाए तो 25। याद रखने के लिए कैसे मैं तक के, कैसे मैं तक के
सभी वर्ण कैसे मैं तक के सभी वर्ण स्पर्श वर्ण कहलाते, स्पर्श वर्ण कहलाते। एक बार पुनः व्यंजनों की संख्या की यदि बात करें तो 33, 33 व्यंजनों को तीन भागों में बांटा गया। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन यानी जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ वाग यंत्र के अव्यय विशेष को कहीं ना कहीं स्पर्श करती है। जैसे क वाली लाइन गले से, च वाली लाइन तालु से, ट वाली लाइन मूर्धा से, त वाली लाइन जो है वो दांत से, और प होठों से। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, पांच वर्गों में विभाजित होने के कारण हमने कह दिया वर्गीय व्यंजन। संख्या में यदि बात करें तो 25, याद रखने के लिए कैसे मैं तक के, कैसे मैं तक के जो सभी 25 वर्ण हैं उन्हें हम स्पर्श वर्ण कहते हैं। आगे नंबर दो, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। पै वर्ग तक स्पर्श व्यंजन, उसके बाद ये रे ले, इन चार वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं, सॉरी अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्यों? इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ वाग यंत्र के अव्यय विशेष को स्पर्श तो करती है लेकिन कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता, इस कारण इन्हें अंतस्थ व्यंजन। और इनका एक दूसरा नाम जिसे अर्ध स्वर भी कहते हैं। तो याद रखना, अर्ध स्वर, अंतस्थ व्यंजन या अर्ध स्वर, ये रे ले वे। और संख्या में यदि बात करें तो 4। आगे नंबर 3, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जो श्वास वायु है वो फेफड़ों से उठकर रगड़ और घर्षण के साथ बाहर निकलती है और उस घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, इस कारण इन वर्णों को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन स स स और इनकी संख्या की यदि हम बात करें तो फेफड़ों से उठकर रगड़ और घर्षण के साथ बाहर निकलती है, रगड़ और घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसी कारण इन वर्णों को ऊष्म व्यंजन कह दिया जाता है। इनकी संख्या 4। 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 25 स्पर्श व्यंजन, उसके बाद 4 अंतस्थ व्यंजन, और उसके बाद 4 ऊष्म व्यंजन। 25, 4, 4, 25, 4, 29 और 33, वर्णों की संख्या 33। आगे व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का जो वर्गीकरण किया जाता है वो दो भागों में,
नंबर एक उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, और नंबर दो प्रयत्न के आधार। उच्चारण स्थान के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर एक उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर दोस्तों, उच्चारण स्थान के आधार पर हम व्यंजनों का करेंगे और व्यंजनों के साथ साथ स्वरों का भी करेंगे। तो ध्यान रखना, पांच छोटे छोटे सूत्र। अकु है, विसर्जनिया नाम, अकु है विसर्जनिया नाम कंठ है। अकु है विसर्जनिया नाम कंठ है। ऐसे याद रखना ए और आस्वर, कु से कैवर्ग, कैवर्ग के पांचों वर्ण, है से है और विसर्जनिया नाम से विसर। अकु है विसर्जनिया नाम कंठ है, यानी ए और आ, ए और आ का उच्चारण स्थान कंठ होगा, कैवर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होगा, है और इसके साथ विसर्ग। उसके बाद इचु यशा नाम इचु यशा नाम ताल, इचु यशा नाम ताल। इसे याद रखना दोनों ई छोटी और बड़ी, जैसे कु से कैवर्ग वैसे चु से चैवर्ग। ये और पहला से, दोनों स्वर छोटी बड़ी पूरा च वर्ग, ये और पहला से, पहला से संकर वाला से या फिर तालव्य से। नंबर तीन ऋतु रसाणाम, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। री से रीस्वर, जैसे कु से कैवर्ग चू से चैवर्ग वैसे टू से टैवर्ग के पांचों वर्ण, रे दूसरा से षटकोण वाला से या फिर मूर्धन्य से।
दूसरा से षटकोण वाला से या फिर मूर्धन्य से। नंबर चार, ऋतु लशानाम, ऋतु लशानाम दंत यानी ऋस्वर जो संस्कृत में चलता है, हिंदी में हम नहीं पढ़ेंगे, जैसे कु से कैवर्ग, चू से चैवर्ग, टू से टैवर्ग, वैसे तू से तैवर्ग पूरा का पूरा। ल तीसरा से इन सभी वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो दांत से होगा, दंते वर्ण कहलाते। नंबर पांच, उपोप धमानिया नामोष्ट, उपोप धमानिया नामोष्ट उपोप धमानिया, छोटा सा याद रख लेना, इतना बड़ा नहीं याद रखना है। उपधमानी इतना ही रख ले, उपधमानिया ओष्ट नंबर पांच। उसे दोनों छोटा और बड़ा, उ पैसे पैवर्ग अब देखो, पहले सूत्र में यदि हम स्वरों की बात करें तो ए और आ, दूसरे में यदि हम बात करें तो छोटा ई और बड़ा, तीसरे में यदि हम बात करें तो री, और चौथे में यदि हम बात करें तो छोटा ऊ और, यानी इन पांच स्वरों, पांच सूत्रों में सात स्वर हमारे आ जाते। अब बचते हैं चार स्वर, चार स्वर कौन से, देखो इन सात के अलावा एक तो ए, एक आई, एक ओ और एक ए जो बनता है वो ए के साथ ई, ए का उच्चारण कंठ और ई का उच्चारण तालु, पढ़ा था हमने पहले, ए कंठ ई तालु और दोनों को मिला के इनका उच्चारण कर सकते हैं हम कंठ तालु या कंठ तालव। ए का उच्चारण स्थान कंठ तालव, आई ए के साथ ए तो इसका भी उच्चारण स्थान इसी की तरह कंठ तालु या फिर कंठ ताल। दोनों के उच्चारण की यदि हम बात करें तो सीधा सीधा कंठ तालु कंठ ताल। इसके बाद ए के साथ ओ मिलने से ओ बनता, ए का उच्चारण स्थान कंठ और ओ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, ए का उच्चारण स्थान कंठ और ओ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, तो इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ। कंठोष्ठ इसी तरह ए के साथ ओ,
दोनों को मिला के कंठस्थ और याबी कंठ। एक बार पुनः ध्यान देंगे, सात स्वर हमारे वहां कंप्लीट हुए पांच सूत्रों में। अब बात करते हैं ए, ए जो बनता है ए के साथ ई से, ए के साथ ई से, ए का उच्चारण स्थान कंठ और ई का उच्चारण स्थान तालु, तो दोनों मिला के कंठ तालु। आई जो होता है ए के साथ ए, ए नी से बना है तो इसका उच्चारण स्थान भी क्या हो जाएगा कंठ तालु। उसके बाद ए के साथ उ, ए का कंठ और उ का ओष्ठ, तो दोनों मिला के कंठोष्ठ। इसी प्रकार ए और ए के साथ ओ, दोनों मिला के कंठोष्ठ। स्वर हमारे, स्वरों का उच्चारण स्थान कंप्लीट। अब बात करते हैं व्यंजनों। व्यंजन यदि बात करें तो पहले स्वर में एक पांच कैवर्ग के और एक है छह। दूसरे स्वर में यदि हम बात करें, दूसरे सूत्र में, तो चैवर्ग के पांच ये और स, पांच और दो सात। तीसरे स्वर में यदि हम बात करें तो टैवर्ग के पांच र और श, पांच और दो सात। चौथे सूत्र में यदि हम बात करें तो तैवर्ग के पांच एक ल और एक स, पांच और दो सात। पांचवें में यदि हम बात करें तो पैवर्ग के पांच, यानी सात सात चौदह, सात इक्कीस, छ सत्ताईस और पांच बत्तीस, तैतीस होते हैं। बत्तीस स्वरों का उच्चारण स्थान हमारे पास है। तो बच गया कौन सा, वह का उच्चारण स्थान आपको याद रखना है दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। जब हम वह का उच्चारण करते हैं तो हल्की सी जीभ दांतों के स्पर्श करती है और हल्के से दोनों होठ चिपकते हैं, इसलिए दंतोष्ठ। उच्चारण स्थान का कैसा भी प्रश्न आए, यदि ये पांच सूत्र आपके याद हैं तो कोई भी उच्चारण स्थान का प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। इसके अलावा देखो, ए आई ओ, औ और इनके साथ में व, चार स्वर ऐसे हैं जिनके दो दो उच्चारण स्थान हैं, चार स्वर ऐसे हैं जिनके दो दो उच्चारण स्थान हैं, चार स्वर, चार स्वर ऐसे हैं जिनके दो दो उच्चारण स्थान। इसके बाद प्रत्येक वर्ग का पांचवां वर्ण, क वर्ग का पांचवां अंग, च वर्ग का पांचवां ञ, ट वर्ग का पांचवां ण, त वर्ग का पांचवां न और प वर्ग का पांचवां म। ये पांच वर्ण अपने वर्ग के साथ बोले जाने के वर्ग के साथ बोले जाते हैं, उसके अलावा इन पांचों का उच्चारण स्थान नासिक का भी होता है, इसलिए हम इन्हें कह देते हैं नासिक के व्यंजन, नासिक के व्यंजन। जैसे अंग का उच्चारण करेंगे तो कैवर्ग का, इसलिए कंठ, और नाक से बोला जाता है इसलिए नासिक। नासिक ऐसे यदि यें की बात करें तो जय वर्ग का इसलिए तालु और नासिका से बोला जाता है इसलिए नासिक के। इसी प्रकार हम ण की बात करें तो टे वर्ग का इसलिए मूर्धा और नासिका से बोला जाता है इसलिए नासिक के। यानी ये पांच वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण स्थान अपने वर्ग के साथ साथ नासिका भी होता है।
इनके अलावा व, व वर्ण का उच्चारण हमने पढ़ा दंतोष्ट, दांत प्लस ओष्ट दंतोष्ट, दांत और ओठ दोनों से दंतोष्ट। तो सीधा सीधा प्रश्न, चार स्वर और पांच प्लस एक व, चार सॉरी छह व्यंजन और चार स्वर, तो दस वर्णमाला में ऐसे दस वर्ण हैं जिनका उच्चारण दो दो स्थानों से होता है, चार स्वर और छह व्यंजन। एक बार पुनः स्वरों की बात करें तो ए आई ओ औ, इनका उच्चारण दो दो जगह से होता है क्योंकि इनमें जो मिले हैं वर्ण वो दो दो जगह अलग अलग उच्चारण स्थान के। इसी प्रकार पांच व्यंजन और पांच जो पांचवा व्यंजन और वह छह व्यंजन, तो चार और छह दस वर्ण ऐसे हैं जिनके उच्चारण स्थान दो दो हैं। आगे नंबर दो, प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण दो भागों में किया जाता है। आंतरिक प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आंतरिक प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण पुनः दो भागों में किया गया, आंतरिक प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। सबसे पहले पढ़ते हैं आंतरिक प्रयत्न, आंतरिक प्रयत्न। आंतरिक प्रयत्न में स्पर्श से बन गया स्पर्शी व्यंजन, इससे पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं आंतरिक व्यंजन होते क्या। जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो वर्ण से पहले का जो प्रयत्न होता है उच्चारण से पहले का, उसे हम आंतरिक प्रयत्न कहते हैं, और उच्चारण से बाद का जो प्रयत्न होता है उसे हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं। तो पहला है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन में क, त, कह के बाद ट, त, प वर्ग के प्रथम चार चार, प्रथम चार चार वर्ण। स्पर्शी व्यंजन में क,
ट त प के प्रथम चार चार वर्ण। उसके बाद संघर्षी व्यंजन, वही चार वर्ण जिनके उच्चारण में संघर्ष हो रहा था रगड़ और घर्षण के कारण उष्मा उत्पन्न हो रही थी, यानी शे 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 है। इन चार वर्णों को संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। दोनों का मिलाजुला रूप स्पर्श संघर्ष, स्पर्श संघर्षी जो चीज पीछे छोड़ के आए, यानी च वर्ग के प्रथम चार, च वर्ग के प्रथम चार वर्ण। अब आंतरिक प्रयत्न में सबसे पहले स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजनों में क ट त प इन चार वर्गों के प्रथम चार चार वर्ण। उसके बाद संघर्षी, संघर्षी में जिनमें संघर्ष होता है रगड़ और घर्षण के कारण उष्मा उत्पन्न होती है, यानी तीनों से और है स्पर्श संघर्षी च वर्ग के प्रथम चार वर्ण। आगे नासिक के व्यंजन, नासिक के व्यंजन प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण। हमने पढ़ा था कि अपने उच्चारण के स्थान, उच्चारण स्थान के साथ साथ नाक से उच्चारित होता है, इसलिए प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण है उसे नासिक के वर्ण कहते हैं, यानी क का पांचवा अंग, च का पांचवा ये, ट का पांचवा ण, त का पांचवा न और प का पांचवा। इन पांच वर्णों को नासिक के व्यंजन कहते हैं आंतरिक प्रयत्न के आधार पर। उसके बाद पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन जब हम ले का उच्चारण करते हैं, पार्श्व का मतलब होता है अगल बगल, पार्श्व का मतलब क्या होता है अगल बगल। जब हम ले का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ है वो तालु को स्पर्श करती है और जो श्वास वायु है वो जीभ के दोनों साइड से यानी अगल बगल से बाहर निकलती है, इसलिए हम ले को पार्श्विक व्यंजन कह देते हैं। उसके बाद उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त को हम कह सकते हैं फेंकाओ, उत्क्षिप्त या फेंकाओ। जब ट वर्ग के ड और ढ
इन वर्णों के नीचे जब नुक्ता लग जाता है तो इन्हें हम उत्क्षिप्त या फेंका हुआ वर्ण कहते हैं। इसके बाद प्रकंपित या फिर लुंठित व्यंजन, जब हम रे का उच्चारण करते हैं, तो हमारे जो जीभ की नोक है वो दो तीन बार स्पर्श करती है मूर्धा को और ऐसा प्रतीत होता है कि लुढ़कता हुआ कोई वर्ण आ रहा है, इसलिए हम उसे प्रकंपित या लुंठित वर्ण कह देते हैं और प्रकंपित या लुंठित वर्ण रे। उसके बाद संघर्षहीन, संघर्षहीन व्यंजन ये और वह। आगे एक बार पुनः, जो प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण है उसे नासिक के, ले जो है वो पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक का अर्थ होता है अगल बगल, जब ले का उच्चारण करते हैं तो श्वास वायु जीभ के दोनों साइड से बाहर निकलती है, इसलिए पार्श्विक व्यंजन उत्क्षिप्त या फेंका हुआ। ते वर्ग के दोनों जब नीचे नुक्ता लग जाता है तब प्रकंपित, जब रे का उच्चारण करेंगे तो जीभ है वो कंपन करेगी, और संघर्षहीन व्यंजन ये और वह। आगे बाह्य प्रयत्न के आधार पर, इन्हें दो भागों में बांटा गया, घोष कंपन या नाद के आधार पर, घोष कंपन या नाद के आधार पर। और श्वास वायु के आधार पर, बाह्य जो प्रयत्न है दो भागों में बांटा गया, घोष कंपन या नाद के आधार पर और दूसरा श्वास वायु के आधार पर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं घोष कंपन या नाद के आधार पर, इसके पुनः दो भाग किए जाते हैं, सघोष या घोषवर्ण, सघोष का मतलब नाद के सहित, तो सघोष या घोषवर्ण
सघोष या घोष वर्ण में, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। सघोष में प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण ये रे ले वे। और है अपने साथियों का स्वर छोड़ के यहाँ। और हमने स्वरों में पढ़ा था कि सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं, तो यहाँ लिख देता हूँ सभी स्वर। घोष वर्णों की यदि हम बात करें तो पांच तीय पंद्रह, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, पांच तीय पंद्रह ये रह है पांच और ग्यारह स्वर। यदि घोष वर्णों की संख्या की हम बात करें तो 31। घोष या सघोष वर्ण वो होते हैं जिनमें कंपन उत्पन्न होता है। घोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा ये रह लेवे है और सभी स्वर। ये जो घोष और अघोष है आगे हमारे संधि में काम आएंगे तो ध्यान देना। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा ये रह लेवे है और सभी स्वर घोष या फिर सघोष होते हैं। इनकी संख्या की बात करें तो प्रत्येक वर्ग यानी पांचों वर्ग के एक तीन चार पांच तीन तीन वर्ण, पांच तीय पंद्रह ये रह लेवे है पांच और सभी स्वर ग्यारह यानी 31। संख्या की हम बात करें तो 31। आगे अघोष व्यंजन, स का अर्थ घोष के सहित और अ का अर्थ घोष से रहित या बिना घोष के। अघोष व्यंजन जब प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा स घोष में चला गया तो जो पीछे बचे हैं यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और क्या बचा, पहला श दूसरा श और तीसरा। संख्या की यदि हम बात करें तो पांच वर्गों के दो दो वर्ण यानी पांच दुणे दस और तीन, 31 का उल्टा 13। सघोष या घोष वर्णों की संख्या 31 और अघोष वर्णों की संख्या 13। आगे श्वास वायु के, श्वास वायु के आधार पर, श्वास वायु के आधार पर श्वास वायु के आधार पर पुनः दो भाग किए गए। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण श्वास वायु के आधार पर पुनः दो भागों में बांटा गया, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प का मतलब होता है थोड़ा कम और महा का मतलब होता है अधिक। जिसमें श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकले अल्प प्राण और अधिक मात्रा में बाहर निकले महाप्राण। सबसे पहले पढ़ेंगे हम अल्प प्राण। अल्प प्राण देखो दिखने वाले वर्णों की संख्या गिने तो एक दो तीन चार और पांच,
पांच एक विषम संख्या होती है, तो याद रखने के लिए प्रत्येक वर्ग का विषम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण? विषम वर्ण। एक, तीन, पांच। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण। विषम वर्ण का मतलब पहला तीसरा पांचवा। पहला तीसरा पांचवा वर्ण। इसके बाद ये रे, ले और वे बताया था, है अपने साथियों का साथ सिर्फ सहगोष में छोड़ता है, बाकी नहीं छोड़ता। तो प्रत्येक वर्ग का विषम वर्ण यानी पहला तीसरा पांचवा। इसके अलावा ये रे ले वे, और स्वरों में हमने पढ़ा था कि सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण। तो सभी स्वर श्वास वायु के आधार पर यदि बात करें तो अल्प प्राण, महाप्राण, और अल्प प्राण की यदि हम बात करें तो प्रत्येक वर्ग का विषम वर्ण। विषम वर्ण मतलब पहला तीसरा पांचवा, ये रे लेवे और सभी स्वर। संख्या की बात करें तो पांच तीय पंद्रह, प्रत्येक वर्ग के तीन तीन वर्ण है तो पांच वर्ग के पंद्रह, ये रे लेवे चार और सभी स्वर 11 यानी 30। अल्प प्राण वर्णों की संख्या पूछी जाए तो 30। उन्हें याद रखने के लिए दिखने वाले वर्ण एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच संख्या होती है विषम। तो विषम जो वर्ण है, विषम संख्या वाले जितने भी वर्ण हैं वर्गों के अंदर, वो सारे अल्प प्राण में यानी एक, तीन, पांच। इसके अलावा ये रे ले चार वर्ण और सभी स्वर हमने पढ़े थे कि अल्प प्राण होते हैं। तो अल्प प्राण वर्णों की संख्या पूछी जाए तो 30। आगे महाप्राण, महाप्राण जब विषम हमने अल्प प्राण में डाल दिए तो याद रखना दिखने वाले वर्ण एक, दो, तीन और चार, चार जो संख्या होती है वो सम। तो याद रखने के लिए प्रत्येक वर्ग का सम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का समवर्ण। समवर्ण मतलब दूसरा और चौथा वर्ण। इसके अलावा श, श, श और स्वर सारे वहां चले गए। यदि संख्या की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा यानी दो, तो पांच वर्ग के दस और चार, अल्प प्राण वर्णों की संख्या 14। श्वास वायु के आधार पर अल्प प्राण, अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का विषम वर्ण यानी तीसरा, पहला तीसरा पांचवा, ये रे लेवे और सभी स्वर। संख्या यदि बात करें तो 30। और महाप्राण समवर्ण, संख्या में चार, तो प्रत्येक वर्ग का समवर्ण दूसरा और चौथा, शे 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 है, दस और चार 14। वर्णमाला हमारी कंप्लीट होती है। इसी के साथ अगला टॉपिक शुरू करने से पहले सभी को धन्यवाद। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।